शादी हमारी भी हुई थी, बच्चे हमारे भी हुए थे, पर इस तरह आवारा गर्दी कभी नहीं की। दिन भर घर में ही बैठे रहते थे। ओह क्या वक्त आ गया, केले भी गिनके मिलने लगे। अरे अरे नाराजी, अरे तुम हमारे झूले में बैठ गए। तो क्या करते, जब बच्चे घोड़े पे बैठने लगे तो बुड्ढे झूले में बैठने लगे। अच्छा बाबा उतरता हूँ, तंग आ गए हूँ घर में बैठे बैठे। आप घूमने क्यों नहीं जाया करते बाबूजी? अब दिन भर घूमता ही रहूं तो क्लब में जाया करो। कौन आता है इस वक्त क्लब में? बाबूजी आप ऐसा कीजिए कि मैं आपके लिए कोई हल्का सा काम ढूंढ देता हूँ, जिससे आपका दिल भी लगा रहेगा और कुछ आमदनी भी हो जाएगी। जी हाँ, ये मेरी उम्र काम कर रही थी तो है। बाबूजी आप मेरा मतलब नहीं समझे। मैं सब समझता हूँ, मैं नौकरी करूँ, तुम घूमने जाओ, तैरने जाओ, घोड़े की सवारी करो, ये क्यों नहीं कहते कि अखरने लगा वो तुम्हारी नजर में? अरे भाई मेरे लिए कुछ खाना वाना बनाया है, भूख के मारे सब निकल रहा। सवार ही मैदान जंग में और वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। नहीं बेटे ऐसे नहीं बोलते, ये तुम्हारे नाना जी है, बुड्ढे हो गए तो क्या हो गया, है तो नाना जी ना बुड्ढा होगा तेरा बाप तुमसे कह रहे हैं। चलो बेटे अब तुम चलो स्कूल चलेंगे और हम अपने दफ्तर चलेंगे, नाना जी से टाटा करो। बेटी इसका दिमाग तो हो गया खराब, मेरे बाप ने तो ना मुझे कभी घोड़े पे बैठाया ना गधे पे, मत हाथी की तरह पड़ा रहता था। किसी क्या कर रही है, हंसने की क्या बात है? अरे भाई बच्चे को प्यार करो, खिलाओ पिलाओ, एक ही तो बच्चा है, दुनिया भर की जोखिम में डालता फिरता है उसे, बुरा वक्त कोई कहके थोड़ी आता है। परसों वो जॉकी रेस में गिर के मर गया, खबरदार जो फिर बच्चे को कभी घोड़े पे चढ़ने भेजा, समझे? आशु आशु अभी तक आया नहीं स्कूल से। और बाबूजी? वो क्लब गए हैं। उनके लिए केले लाया हूँ। अच्छा? और अपने और आशु के लिए संतरे लाया हूँ। और मेरे लिए कुछ नहीं लाया? अजी ऐसे कैसे हो सकता है, आपके लिए तो चीकू लाया हूँ। चीकू? चीकू? पापा जी, पापा जी हम आ गए। अरे वाह तुम तो नाम लेते ही आ गए बेटे, शाबाश, एक पपी का दो। अरे वाह 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 वा, एक चीकू खाओ। नहीं ये नहीं। अच्छा लो संतरा खाओ। नहीं ये भी नहीं। क्यों? हमको भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? रहने दो, जब बच्चे को भूख नहीं हो तो जबरदस्ती नहीं खिलाया करते। तो बेटे पहले घूमने जाएंगे फिर बाद में आके खाएंगे। अच्छा अच्छा। जान तो कहाँ जाएंगे हम लोग? जाएंगे पापा जी। अरे बेटे पहले तैरने चलेंगे और फिर घोड़े पे बैठेंगे। ताली बजाओ ताली, शाबाश शाबाश। सुनिए मैं इसे घोड़े पर चढ़ने नहीं भेजूंगी। क्यों? इतने से बच्चे को घोड़े पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है इसीलिए तो सिखा रहा हूँ इसे। मैं कहती हूँ कहीं चोट लग जाएगी तो सब। अजी आपसे ज्यादा ख्याल है मुझे बच्चे का। चलो बेटे टाटा करो मम्मी को। टाटा टाटा। देखा तारा, इतना कहने पर भी नहीं माने, ले गए जबरदस्ती। चिंता क्यों करती हो बहन जी, जब वो साथ है तो डर काहे का? जा अपना काम कर। डर काहे का? इंतु जी। रवि घर पर कोई नहीं है क्या? अरे इंतु तुम यहाँ अकेली बैठी हो? रवि कहाँ गया? आशु को जॉकी बनाने ले गए हैं। है अभी से घोड़े की सवारी सिखा रहे, कहीं गिर गया तो? यही तो मैं झिंक रही थी लेकिन सुनता कौन है। आओ बेट। लेकिन घोड़े की सवारी तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? तुम बाप होते तो समझते क्या बुराई है। रवि बाप नहीं है। वो तो है लेकिन तुम क्या हो ये तो बताओ। तुम मेरे से बात मत करो जी। तो
बात मत करो। मैं कब बोला था? और मैंने तुम्हें क्या कह दिया? ओहो, आप लोग तो फिर से झगड़ने लगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। अभी तक अभी आता ही होगा। बड़ी देर लगा दी तुमने आज। मेरा दफ्तर में कुछ काम हो गया था। ये लो तनख्वाह के रुपए। और देखो इस महीने का खर्च में कटौती करो। कौन सा खर्च कम कर दूं? फजूल खर्च तो नहीं कर रही हूँ मैं। मैं ये नहीं कह रहा इंदु, हो सके तो अच्छा है। तुम तो जानती इस महीने से आशु का खर्च बढ़ गया है। 20 रुपए स्कूल की फीस और 15 रुपए घोड़े के। घोड़े का खर्च क्यों नहीं कम कर देते? फजूल खर्च है वो। इंदु वो बहुत जरूरी खर्च। मैं अपने बेटे को बहादुर बनाना चाहता हूँ। तो फिर मैं कौन सा खर्च कम कर दूं? मैं बताऊं? अपने बाबूजी से कहो क्लब जाना छोड़ दे। देखो इंदु, हर महीने 100-150 रुपए खराब कर देते हैं और उसमें कुछ फायदा तो है नहीं, नुकसान ही नुकसान है। इंदु बेटी, मिल गई रवि की तनखा, 25-30 रुपए दे रही, क्लब का चंदा वगैरह देना। वो क्लब छोड़ने को कह रहे हैं बाबूजी। क्लब छोड़ने को कह रहे? दुनिया छोड़ने को नहीं कह रहे बाबूजी। दरअसल आशु का खर्च बहुत बढ़ गया है। तो फिर मेरा खाना बंद कर दो। घड़ी दो घड़ी क्लब में मन बहलाने को चला जाता था, सो नहीं जाऊंगा। मैं ही पर आया हूँ इस घर में, मेरा ही खर्चा फालतू है। बच्चे के हाथ पैर तोड़वाने के लिए घोड़े का खर्चा जरूरी है, उसे तालाब में डबोने के लिए फीस भरना जरूरी है। बाबूजी मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे उपाय उपाय। चला जाऊंगा ये घर छोड़ के, कर लूंगा कहीं नौकरी। नहीं बाबूजी, वो तो सिर्फ कह रहे थे, ये लीजिए। रहने दे रहने दे, मेरा इस घर में रहना मुश्किल है। चला जाऊंगा यहाँ से कहीं। डूबने थप्पड़ मारूंगी वो पर। नाना जी से ऐसी बातें करते हैं? आज से तू भी तैरने नहीं जाएगा। कह देना अपने पापा से, मम्मी मना करती है मैं तैरने नहीं जाऊंगा, समझे? क्या सिखा रही हो बच्चे को? तैरने को मना कर रही हूँ, ये अब तैरने नहीं जाएगा। क्यों? हमें इसे मल्लाह नहीं बनाना। मुझे क्लब में जाने को मना करते हो और खुद बेकार रुपए उड़ाते हो। बाबूजी रुपए क्लब में उड़ाए जाते हैं, रमी में उड़ाए जाते हैं, जुए में उड़ाए जाते हैं। सुन लिया बेटी, मैं रमी खेलता हूँ, जुआ खेलता हूँ, ये क्यों नहीं कह देते कि मैं चोरी भी करता हूँ? नहीं बाबूजी, ये तो वैसे ही कह रहे हैं। वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक कह रहा हूँ, मुझे सब मालूम हो गया। मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ बाबूजी को। जानती हो तो ठीक है, और दिया करो पैसे ने जुआ खेलने के लिए। लाओ 10 रुपए का नोट, इसके लिए ड्राइवर मंगाना है। तारा ये लो, ड्राइवर की सीसी लाना, बाकी पैसे ले आना। नौकर को दे दे 100 का नोट, जो वो वापस ही ना आए मैं खुद ले आऊंगा। बाबूजी ले आइएगा जरूर। हाँ, क्लब से लौटता हुआ ले आऊंगा। आइए आइए आप ही के इंतजार था। मूलचंद जी, आपने शायद तंबाकू बदल दिया है। या बदल दिया है, आपको मतलब? अच्छा भाई, 2 पैसा पॉइंट? नहीं भाई, 1 नया पैसा पॉइंट। आ गए नए पैसे पर। अरे भाई हम क्या आ गए, सरकार ने ही चला दिया। लेकिन पुराने पैसे बंद तो नहीं किए सरकार ने? अजी सरकार ने नहीं, इनके दामाद ने बंद कर दिए होंगे। हाँ भाई, अब तो दामाद का ही मुंह देखना पड़ेगा। अबे मूलचंद तो अपना मुंह भी नहीं देखता, दामाद का क्या देखेगा। लो आओ 1 रुपया पॉइंट, आओ इसमें दम है। लो हाँ 1 रुपया आओ। मैला मत कर, मैला मत कर। मूलचंद जी मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार का है या दामाद का। दामाद का ही समझ ले। देखा, 10 बज गए लेकिन तुम्हारे बाबूजी का अभी तक पता नहीं। आ जाएंगे, तुम्हारा 100 का नोट लेके भाग नहीं जाएंगे कहीं। ओहो, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ, लेकिन उनको इतना तो ख्याल रखना चाहिए था कि बच्चे के लिए ड्राई वाटर मंगाया। कह दिया आते ही होंगे। ठीक है, चलो बेटे अपन गाना गाएंगे। आशू बड़ो अच्छा बेटा है, है ना? अच्छा जी बा बाबूजी, बड़ी देर लगा दी आपने, और वो ड्राइवर जो लाए? क्या बताऊंगी, क्लब से आ रहा, रास्ते में गुंडों ने रुपए छीन। अरे अकेला आदमी, किस किस से लड़ता, 10-12 आदमी। भाई चोट तो नहीं लगी? चोट वोट तो नहीं आई, लेकिन रुपए चले गए। वो तो जाने थे क्लब में। हाँ हाँ, कहते जुए में हार गया,
देखो जी, तुम मेरे बाबूजी को कुछ भी कह देते हो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और जुआ खेलने के लिए रुपए देना अच्छा लगता है? हाँ दूंगी, उन्हें कुछ मत कहा करो। तेरी माँ ने कभी कुछ नहीं कहा, क्लब जाने से नहीं रोका, तूने कभी नहीं रोका, और ये आदमी मेरा खाना पीना बंद कर देना चाहता है। बाबूजी मैं आपका खाना पीना बंद नहीं करना चाहता, आपकी बुरी आदतें बदलना चाहता हूँ, फजूल खर्ची बंद करना चाहता हूँ। बेटी अब तो मैं इज्जत के साथ इस घर से चले ही जाऊँ। नहीं बाबूजी, मेरे जीते जी आप कहाँ जाएंगे? सोचता हूँ फौज में भर्ती हो जाऊँ। क्या कह रहे हैं आप? फौज में भर्ती होने से कुछ नहीं होगा बाबूजी, आप ऐसा कीजिए सर्कस में भर्ती हो जाइए। चल नहीं आती, बुड्ढे से मजाक करते। बुड्ढा होगा तेरा बाप। बाबूजी। आशु, अरे बेटे देखो क्या लाए हो तुम्हारे लिए। अरे आशु कहाँ? वो बाहर गया है तारा के साथ। देखो तू क्या लाए। मैं कहना इसकी क्या जरूरत थी, बेकार 30-40 रुपए खर्च किए। ये बेकार नहीं है हिंदू, इससे बच्चे की अकल बढ़ती, ये बहुत जरूरी खर्च। हाँ हाँ, बेकार खर्चा तो मेरा है, ये बहुत जरूरी है। वाह, कुर्बान जाऊं मैं कहनो की किताब भर की लोमड़ी और मन भर की तुम बिस्ता सा बच्चा और कारखाना उठा लाए था। हाँ अभी से क्या जल्दी थी? जल्दी थी, मैं अपने बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहता हूँ। हाँ इंजीनियर बना दे उसे। देखिए आप मेरे काम में दखल मत दिया कीजिए। दखल नहीं दे रही थी, अकल की बात बता रही हूँ। तुम लोग अपनी अकल अपने पास रखो, मैं जो कुछ करता हूँ ठीक करता हूँ। ठीक ही तो करता है, कमाता है ना। दूध देने वाली गाय की लाते भी सहनी पड़ती, अब तो वो जैसे नचाएगा वैसे ही नाचना पड़ेगा। इसीलिए कहता था बेटी के नौकरी मत छोड़, पर कौन सुनता है मेरी। इसके रख ले, एक दिन तुझे पाँव की जूती बना के छोड़ेगा।